पंजाब 1919। जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्ते लोगों को भून डाला, तब भगत सिंह 12 साल के थे। देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह जल्द ही गांधीवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और दमन को करीब से देखा। सन 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। चौरी चौरा में हिंसा की खबर सुनकर जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की एक तरफा घोषणा की, तब भगत सिंह जैसे नौजवानों को निराशा हुई। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा के एकमात्र मार्ग को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं दिनों रूस की समाजवादी क्रांति की खबरें भारत तक पहुंचने लगी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहकर मजदूर किसानों के लिए नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी साल साइमन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी ने एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मारकर इसका बदला लिया। एक साल बाद भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में उन्होंने अंग्रेज राज और कानून को मानने से इनकार कर दिया और समाजवाद की आवाज बुलंद की। इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा देश भर में गूंजने लगा। 23 मार्च 1931 को भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। रात के अंधेरे में लाशें नदी में बहा दी गईं और अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार धर्मानुसार किया गया है। भगत सिंह तब 23 साल के थे। भगत सिंह के गांव खटकर कला में शहीदी दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। आज सरकार भगत सिंह को एक देशभक्त के रूप में अपनाना चाहती है और खालिस्तानी ताकतें एक सिख आतंकवादी के रूप में। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में न धर्म की दीवार थी न देश की सीमाएं। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जो विचार भगत सिंह ने लोगों के मन में समो दिए थे, तो अंग्रेजों ने एक दाव सांप्रदायिकता रखी कि लोगों को उनके जात पात पे, उनके धर्मों पे बांटा जा सकता है। भगत सिंह के लेके ही उन्होंने भगत सिंह को जिसे ही उसने कुर्बानी दी भगत सिंह ने, तो उसको भी उन्होंने इसी तरह बांटने के लोगों में भगत सिंह के सारे विचारधारा को कत्ल करने की कोशिश की। भगत सिंह सिख हैं, उनका सिख संप्रदाय से संस्कार किया गया है, राजगुरु का सनातनी तरीके से किया गया है और सुखदेव का आर्य समाजी तरीके से किया गया है। इनकलाबी एकता केंद्र 1947 में आज़ादी आई तो 20 साल तक किसी ने, जो इन लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम या उसकी जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका थी उसकी बात नहीं कही। जब भी बात की जाती थी तो गांधी जी की जाती थी या नेहरू जी की जाती थी, मगर जब इन्होंने यह महसूस किया कि पंजाब में जो युवक लोग हैं उनमें भगत सिंह का बहुत नाम है, तो इन्हें भी याद आया या इन्होंने सोचा कि भगत सिंह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो स्टेट ने भी इनके स्टैचूज लगाने शुरू किए अलग अलग शहरों में और फिर खटखट कला में भी। और उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो इसके साथ साथ स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने भी भगत सिंह के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इसीलिए हमने ये 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंजाब के अलग अलग गाँव में मार्चिस करते हुए भगत सिंह का जो असली फलसफा है वो फलसफा लेके हम अब गांव-गांव में जा रहे हैं। हिंदू सिख
तो ये बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आप इसको देखने आए हो। सबसे पहली बात है जो चारों तरफ इसके जितने गेट हैं उनका कोई शटर या दरवाज़ा नहीं है, और जगह आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा, और जहाँ हिंदू मुसलमान का क्रिश्चियन का क्वेश्चन होगा यहाँ कोई हर इंसान यहाँ आ सकता है, और सबके लिए ये गेट खुले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं, बुनियाद पत्थर रखने वाले हजरत मियां मीर साहब, वो मुसलमान थे। और अंदर जो है गोल्डन टेम्पल के हरिमंदिर के अंदर 24 घंटे हरि कीर्तन होता है, जिसमें कोई ये नहीं कि हिंदू की बाणी है या मुस्लिम की है। जहाँ बाबा फरीद जी की, गुरु नानक की बाणी गाई जाती है, वहाँ कबीर भगत की, वहाँ रामदास भगत की, तो सारों की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अटैच है वो गाई जाती है। उन्नीस सौ चौरासी में भिंडरनवाले और उनके साथियों के आतंक को रोकने सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। भिंडरनवाले तो मारे गए लेकिन आतंक नहीं रुका। आखिर इंदिरा गांधी भी मारी गईं। इसके साथ साथ दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे कातिल जो हैं, एक दिन पहला सरदारों के जो घर हैं वो दिखा गया था। उसके बाद में शुक्रवार को हमारे आदमी और खंड पाठ हो रहा था, और वहाँ 12-13 आदमी बैठे थे। उनमें से घरों में से निकाल निकाल के उनको ऐसे बुरी तरह उठा उठा के मार रहे थे। और जो भागता था छत पर से छलांग लगा दी, गली में भाग गए और चारों तरफ घेरा डाल रखा था। उसके बाद में 2 पेट्रोल बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मारा, सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पर मारा, वो टांग टूट के गिर पड़े। फिर 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी, और इधर इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। फिर हम बेहोश हो गए। हमारे को 2 घंटे के बाद होश आई। फिर हमने कोई पूछने वाला आया नहीं, हम रोते गए हैं पुलिस में। उसी वक्त 12-13 औरतें हम गई हैं, तो उन्होंने हमारे साथ पुलिस के आदमी आए हैं, कहते हैं जी अभी गाड़ी आएगी तो मेरे को बुला के ये लाशें उठा के लीजिए। अब हमारे बच्चे, एक हमारी पड़ोसन है गुड़िया, उसने हमारे बच्चे छुपा के रखे थे। हमारे सरदार जी की लाश जो थी ना सड़क पे पड़ी रही। जब मोहल्ले वालों ने सब ने मिल के उनका वहीं संस्कार कर दिया, फिर हम घर में जा करके बोरी लाई, बोरी में हाँ गर्म गर्म ही ऐसे हाथों से डाल के वो बोरी हमने सिर पे उठाकर घर पे ले आई। उसके बाद में इतवार के दिन को हम जमुना जी में खुद अपने हाथों से जल प्रवाह करके आए। गवर्नमेंट की अपनी ही साजिश है इसमें ज्यादा, या कुछ लोग भड़काऊ लोग कुछ भड़क भी जाते हैं, जैसे जिन दिल्ली में दंगे हुए उनमें कई लोगों के भाई बहन या माँ बाप मारे गए, वो भी लोग लावारिस हैं कुछ, उन भी वो भी करते हैं कुछ, अपना बदला लेते हैं। लेकिन ज्यादा से जो कत्ल होते हैं वो गवर्नमेंट की साजिश से होते हैं। ये निर्दोष लोगों को आपने आप मार दिया और हम पर दोष लगाती है, और बदनाम सिखों को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। मगर आप तो ऐसे भाईचारे का नारा तो नहीं लगाते हैं कि हिंदू सिख भाई भाई या कत्ल नहीं होने चाहिए, ये सो आप तो खोल के तो नहीं कहते हैं। हम भाईचारे का नारा कैसे लगाएं, जो हमारे दरबार साहब पर एक्शन हुआ, हमारे हजारों लोगों को हत्याएं की गई दिल्ली में, बिना किसी के कारण के हमारे लोगों को हत्या की गई। इन्होंने किसी एक भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू सिख भाई भाई हैं,
सिर्फ इसीलिए कि जो सिख है और उसको मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया गया, किसी लीडर ने नहीं कहा, किसी हिंदू ने नहीं कहा। नहीं कहा तो है, जैसे PUCL है, PUDR है, इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली, आम जनता ने भी कुछ किया है, जैसे नागरिक एकता समिति बनी दिल्ली में, ऐसे पूरे देश में एकता समितियां तो हैं जो लोग कहते हैं कि सिखों को मारना बिल्कुल गुनाह है। बहुत कम है, ऐसे नहीं है जैसे पंजाब में करना चाहिए, वैसे नहीं है, मगर है तो एक आध होगी, पंजाब में नहीं है, पंजाब में जो भी है ना वो हर एक हिंदू जो है पंजाब में वो सिखों के दुश्मन, सिख का दुश्मन है। जो भी कर रहे हैं, यानी जो भी है हिंदू तबके को दबाया जा रहा है जी, हर तरफ से बात यहाँ पे खत्म होती है। आज तक कभी भी इतने यहाँ पे काम हुए, इतने जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी यहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है, बाद में हिंदू शिवसेना ने कुछ किया, जब पहले सरदारों ने कुछ किया उसके बाद में हम तो कम माने, हम सिर्फ अपनी रक्षा करते, हम लोग अपनी डिफेंस करते हैं, वो लोग हम पे अटैक करते हैं। सिख ये समझते हैं कि वो ऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी है, इसी तरह से हिंदू समझते हैं कि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी है, परंतु इन सभी चीजों के होने के बावजूद प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब सर्टन क्रिटिकल फोर्सेस ने इन चीजों को, इस सारी सिचुएशन को अपने अपने क्रिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कृति किसान यूनियन के सरदारा सिंह, भिंडरांवाला जिसको अब सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, दमदमी टकसाल भी बहुत से लोग जानते होंगे, 78 तक पंजाब में बहुत कम लोग थे जो उसको जानते, किसी ने भिंडरांवाले का नाम नहीं सुना। लेकिन जिस समय अकाली पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, जनता पार्टी के साथ कोलिशन 77 में बनी, उस समय कांग्रेस का ये इंटरेस्ट था कि एक तो इसमें जनता पार्टी जो मेनली जनसंघ है पंजाब में, हिंदू पार्टी, हिंदुओं की पार्टी के तौर पे एक्ट करती है, एक तरफ वो है, एक तरफ ये अपने आप को सिखों की पार्टी कहते हैं, कोई ऐसा चीज इसमें दाखिल की जाए कि इनमें कोई आपस में डिफरेंस हो, इनमें वेज हो, तो ये गवर्नमेंट टूटे। उसी समय में भिंडरांवाला को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब में इन दोनों ही तरह के टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो सिख फंडामेंटलिस्ट की तरफ से हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, दोनों को ही हम लोगों ने फाइट किया है। आतंकवादियों के खतरे के बावजूद कई वामपंथी गुट भगत सिंह का संदेश गांव गांव तक पहुंचाते हुए खटकर कलां की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से हम किसानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हम उनको बताते हैं आपके दुश्मन जो हैं वो हिंदू नहीं है, कॉमरेड जयमल सिंह पट्टा, चाहे उसमें सरमाएदार हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप सभी को लूटते हैं, जब अपनी डिमांड को लेकर आप लोग इकट्ठे होकर चलने को मजबूत होते हैं तो आप उसको बांटने के लिए जो लोग ऐसी समस्याएं आप उसमें लाते हैं, जैसे कालस्थान है, अनंतपुर का मता है, 1.5 साल हमने गाँव में साइकिलों पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के 15-20-25-30 आदमी ऐसे एक एक तहसील में मीटिंग करवाते हैं, वहाँ एक कमेटी बना देते हैं और दूसरे गांव को ऐसे 1 साल लगातार हमने कोई भी गांव नहीं छोड़ा जहाँ हमारी KKU की किसान यूनियन की कमेटी नहीं बनाई। आज जब असी शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों का सुनेहा थोड़े तक लेके आए हैं, पंजाब एक बड़ी दुखदाई हालत से लंघ रहा, असी जदों भी अखबार सवेर नूं चुक के देखते हैं तो किसी का ध्यान इस गल वल नहीं जाता कि बसां दे किराए बढ़ गए आ,
के घेरा या खंड का भाव बढ़ गया। सब तो पहला अखबार की किस सुर्खी से नजर जाती है कि किन्ने बंदे जड़े आ वह दहशत पसंद हथों मारे गए आ ते किन्ने बंदे जड़े आ पुलिस हथों मारे गए आ। पंजाब के लोगों के सिर से दो तरह की दहशत दियां तलवारां लटक रही। एक दहशत है उन्हां लोगों की जेड़े धर्म के नाँ ते बसा चो कढ़ कढ़ के लोगों नूं छरेआम गोलियां का निशाना बनाउंदे आ। जेड़े लोग बिना किसी दुश्मनी के बिना किसी गल ते क्योंकि कोई बंदा उन्हां दे वांगू दाड़ी और केस नहीं रखता इस करके बाजारां च गोलियां दे छट्टे दे जांदे आ ते मासूम लोगों नूं कतल करके सिट देंदे आ। यही नहीं वह लोग जिहड़ा भी कोई उन्हां नाल विरोध करता चाहे वह दाड़ी केस वाला भी क्यों ना हो चाहे वह सिख भी क्यों ना हो जिहड़ा उन्हां दे इन मनसूबे नाल सहमत नहीं हुंदा उस हरेक नूं गोली का निशाना बना रहे आ। एक ये दहशत है। दूसरे पासे वह दहशत है जे इस दहशत ने दिल्ली दे विच बकारो ते कानपुर दे विच इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद हजारां सिखां दा कतलेआम किया जिहड़े अज भी पंजाब दा मसला सियासी तौर ते हल करन दी थां पंजाब दे लोकां दीआं जमहूरी मंगां मन्नण दी थां ते जोधपुर दे विच जिहड़े कुछ बेकसूर लोग है कैद उन्हां नूं रिहा करन दी बजाए पंजाब नूं चंडीगढ़ जां पाणियां दा उहदा हिस्सा देण दी बजाए पंजाब दे मसले नूं लाठी ते गोली नाल हल करना चाहुंदे आ। बाईं तरफ है भगत सिंह की बहन। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मेरे माता जी किया करते थे वो कहते हैं कि लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि भगत सिंह क्या है और उस वो मुझसे पूछते थे कि क्या तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो। हालांकि वो खुद भी उनके लिखतों के बारे में इतना उनको ज्ञान नहीं था लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने जितना उनको नज़दीक से देखा था जितना प्यार एक भाई बहन का था तो ये सारी जो उनकी लिखते हैं और उनका वो सारा कर्म जो कुछ पब्लिश था कुछ अनपब्लिश था उसको इकट्ठा करके पढ़ने से भगत सिंह के बारे में नई रोशनी प्रदान हुई। कीर्ति में छपा भगत सिंह और उनके साथियों का लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। कोई विरला ही हिंदू मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है बाकी सब के सब आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई वो ये कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। ये इसलिए कि उनमें वर्ग चेतना थी। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। सारे पंजाबी चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है चाहे वो मुसलमान है आप इकट्ठे होइए हर तरह की दहशत का मुकाबला करिए पिंड पिंड दे विच महल्ले महल्ले दे विच अपनी रक्षा लई कमेटियां बनाओ असी अपनी रक्षा आप करो और इस मुहिम दे विच साडा इनकलाबी एकता केंद्र हमेशा थोड़े नाल अगे होके हर तरह की कुर्बानी करूगा। साडे कामरेड बलदेव सिंह मान ने इस काज की रक्षा करदे होया शहीदी पाई है लोड़ पई तां होर भी पावांगे जिन्नी देर तुसी अपनी रक्षा लई आप कट्ठे नहीं हुंदे पंजाब दा मसला किसे ने हल नहीं करना और असी आस करदे हां कि तुसी इस स्नेह दे अपने मन च बसाउंदे होए इस ते अमल करोगे तुसी सारयां ने टाइम कढ़िया इस दा बहुत ही धन्नवाद। तो डरू ना कदे भी
ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਵਾਰਨਾ ਏ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਓ ਕਾਰ ਤੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਫਿਰ ਕਾਲੀਏ ਬਦਲੀਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏ ਵੀਰ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਈ ਨਾ ਤੁਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏ ਵੀਰ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਈ ਨਾ ਤੁਦਾਰ ਤੇਰੇ ਨੱਚਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਪਦਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੱਚਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਪਦਾਰੇ ਜੋਰੀ ਨਾ ਵੀਰ ਭਗਤੀ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜੋਣੇ ਹੱਥ ਆਏ ਜੋਰੀ ਨਾ ਵੀਰ ਭਗਤੀ सिख स्टूडेंट फेडरेशन भी भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके पोस्टर पर तस्वीर भगत सिंह की नहीं भिंडरनवाले की है। इस मीटिंग को तो बैन कर दिया था सरकार ने। ऐसा ही है, फिर भी जबरदस्ती करनी पड़ती है। मगर मीटिंग होगी पक्का? होगी पक्का ही। क्या भरोसा है कि होगी? वो पुलिस वुलिस नहीं आएंगे? आने दो, पुलिस आ जाएगी तो। इतने सारे बहुत देर हमने देखे हैं, करीब 2-3 हजार पुलिस तो। वो इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। इधर तो कम आएंगे थोड़े बहुत। हाँ जी, आ गए हटा लेंगे। हटा देंगे? और कैसे? मुकाबला करेंगे बोलते हैं। कैसे हटाएंगे? मुकाबले में हैं, इससे संगत बहुत होगी ना। मगर तैयारी है आपकी फुल? हाँ फुल तैयारी। दिखाई नहीं दे रही कोई भी तैयारी? दिखाने पड़ती नहीं, मौके में टाइम पर टाइम निकलती है। तो भक्ति होता है। क्या मांगे हैं फेडरेशन की? खालसा राज। खालसा राज मतलब? मतलब जे हर एक बंदे को अपना अधिकार चाहिए, कोई भी काम करना है अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, जहाँ से सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। मगर इस यानी पंजाब में सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ सिखों का राज होना चाहिए? सिर्फ सिखों का राज कहने का मतलब ये है कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। हाँ। अपने धर्म के उत्ते रह सकता है जो मर्जी करे, पर किसी धर्म को दबाया नहीं जा सकता। हरेक नु अपनी खोल होनी चाहिए है, अपने धर्म बारे प्रचार कर सकता है। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ, ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਪੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੇਤੇ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਆਗੇ ਤੱਕ ਚਲਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ। ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। सात अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सखदेव को फांसी की सज़ा हुई और बाकी उनके सात साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई। तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद वक्त समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं वो उसका एक सबूत है। और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है, ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे उनको उन्होंने अंकित किया है। जागो 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 सर्वहारा, खींचो ये लाल तलवार, कब तक सहो ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला, सारे जहां के मज़लूमों उठो के वक्त आया। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली आपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल समस्त मजदूर समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें? भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या उसको मानव समाज के इन दुखों से सुख मिल रहा है?
हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। जीवन फलसफा दसदे हुए और अज के हालात के बीच एक गीत गाँदे हुए और वो गीत होगा राजवीर का असी नहीं मनते उस रब न जेड़े देवे जेड़ा देवे लीचा पा तो पहला वो गीत सुनो चिंता जी रही है डैडी बहुत फिक्र करते है बार भावे ठीक ही रहा होसंत चिंता है ना उसकी बड़ा लड़का हुई है आप सीपीआई में हैं कब से इन्हों के डैडी तो शुरू तो ही है डैडी हो गया उन्होंने 20 साल 25 साल
25 साल कैसे कैसे पार्टी में गए? पार्टी च मतलब भी उस तरह ही वो मतलब हिस्सा लेंदे ने, पार्टी मेंबर नहीं है उस तरह हिस्सा लेंदे, जिते कोई प्रोग्राम होए सुन जरूर जाते है। तो सतपाल डांग उन्होंने नाल जरा उन्होंने देखभाल अच्छी है, तो मैं मतलब पार्टी मैंबर है। आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इंकलाबी एकता केंद्र में है, ये कैसे हो? अपना ख्याल विचार है ना, कॉलेज जाता है उतो ही हिसाब किताब मुंडिया मंडिया के नाल ही हो गया, ठीक है जो हो गया सानू कोई इतराज नहीं है। आप वैसे साथ में ही काम करते हैं, आपके विचार सारा एक ही है? हाँ दलते हैं विचार, वैसे किताबा कतूबा अपन पढ़ता रहा, अस अपने पढ़ते रहने। जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है, कभी चलाई है उन्होंने बंदूक? ना चलाई तो नहीं कभी, बार चलाई है तो पता नहीं घर दा, पता नहीं कभी देखी तो नहीं है, कभी नहीं चलाई, कभी देखी नहीं है। सिर्फ हाथ में रखता है? हाथ में भी नहीं देखी, हमारे तो घर में ही नहीं है तो उसने हाथ में कहां रखनी, बाहर पता नहीं वो कहां से ले ली होगी उसने, वो भी पार्टी वाला ने दी होगी। नहीं है तो रक्षा के लिए है। आपके बच्चे क्या करते हैं? खेती खेती करते हैं, तो हाँ हाले पढ़ती है 11वीं। आपके बच्चे खालिस्तानियों का विरोध भी करते हैं? यस करते हैं। करते हैं? तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, डरने की क्या बात है? माता जी आपको डर नहीं लगता कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा? लगता ना, लगता डर, जिन्ने जगह घर नहीं आते उन्ने जगह डर ही डर, जिन्हें नहीं आते जान मोट च रही पुत धियां बड़े प्यारे आ, की करिए हुण मुंडे हटदे नहीं गे, बड़ी गल खुशक जी है। मुंडिया नौकरी मिले तपे ना लगा, पढ़े हैगे दरों दर फिरी जाते फिरी जाते, जे तो नौकरी कितने मिलती हो तो यो चलो इस काम च लगे रह। हथबाजी बना देंगे लोग, रोज रोज दो चार मारते हो, जोड़ा दिन है जिदन नहीं मारते हो, झगड़ा नहीं होना चाहिए, सारे कट्ठे होन, कट्ठे होन तो जड़े हिंदू भी वीरा अपनी जान ही है, अपने वर्गे हिंदू भी, हिंदू केड़े भी वखरे आ, उन्हें भी जान अपने वर्गी आ, वो भी अपने भैन भरा ही आ, ये तो आतबाजियाँ जो पाया हा पंगा जब ये हिंदू वखरे करने सिख वखरे करने कोई फर्क नहीं है, ये अपने भैन भरा वा, जे ये विट पाइए बहुत माड़ी गल है, उन्होंने कहे घर छड़ने सौखे आ, जात जात का की फर्क पैंदा वा। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। उनकी शिक्षा के कारण ही मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने का निश्चय किया।
परंतु मेरे पिता नास्तिक नहीं है। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ आकर ही मैंने धार्मिक समस्याओं और भगवान के बारे में बहस करना और आलोचना करना शुरू किया, परंतु मैं तब भी पक्का आस्तिक था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा, मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे विश्वास और विचारों में अद्भुत रूप से बदलाव आया। मात्र हिंसात्मक तरीकों के प्रति लगाव, जो हमारे पुराने साथियों में काफी व्याप्त था, उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। हमें यह विश्वास हो गया कि केवल बेहद जरूरत पड़ने पर ही हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम स्थिति में जन आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति ही उचित है। ना अब कोई रहस्यवाद रहा, ना कोई अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। भगत सिंह का शहीदी दिवस, गांव खटकर कलां। अज शहीद दिवस संबंध में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पिंड खटकल कलां विखे एक सर्व पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस विच वक्त नेताओं वालों शहीदों भरपूर श्रद्धांजलि भेंट की गई। मुख्यमंत्री श्री बरनाला ने भी इस मौके पर अपने विचार प्रकट किए। ना ही सिखी और सिखाती है, ना ही कोई धर्म इस तरह की शिक्षा दिता है। ये काम जायज नहीं, जितनी जल्दी हो छड़ देना चाहिए ताकि पंजाब के अंदर शांति आ सके। उन्होंने तो बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री बसंत साठी। मैं आपको भारत सरकार की ओर से, पद प्रधान प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ओर से ये खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि पंजाब अकाल का लोंगोवासी के साथ, बन्नावासी के साथ जो कार्ड हुआ उसका एक एक लंच का समारोह करूंगा। उसी दिन 10 किलोमीटर दूर सिख स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग। फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है, ये सही? जो तमाकू पीता है ना, अमृत छक के वो अमृत भंग करता है। कोई भी किरायत करता है, तमाकू पीता है, शराब पीता है, उसको हम सजा देंगे। वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है, जो हमारे यानी के हुक्मनामा होगा उसके। ये ऐसा आपने ऐलान किया है? जो सिख तमाकू बेचते हैं ना, वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तमाकू, आज तो शराब शुरू भी, शराब के ठेके भी है, ठेके वालों ने भी, ठेके वालों ने भी शराब लेने भी माफ नहीं किया जाऊंगा। तुम सिगरेट कोई पीता है उसको आप गोली से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो साढ़े सिख नौजवान है जी, देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पड़ता कोई ना कुछ। तुम मिलिट्री ले लो, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं? अच्छा, आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी, भगत सिंह। मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा था मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ।
नहीं वो तो कम्युनिस्ट थे। नहीं बाद में पता लगा कि वो धर्म को भी मानते थे। नहीं पहले सिख थे जी। पहले सिख थी, बाद में जब मुश्किल में आ गए वो तो फिर समझा टाइम प्लानिंग थी उनकी। जब मुश्किल में उलझ गए तो उन्होंने केस कटा दिए, नहीं तो धर्म तो थे। अगर उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ तो इसके बारे में क्या सोचना। भगत सिंह से जो वो जुल्म के खिलाफ लड़े थे और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह की बर्थी मना रहे हैं। अगर भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि भाईचारा होना चाहिए हिंदू सिखों का। हम भी कहते हैं हम भाईचारा तो चाहते हैं। किताब भगत सिंह की किताब तो लिखी हुई है, उन्होंने खुद जो किताब भी नास्तिक हूं जो किताब भी लिखी है ना कांग्रेसियों ने लिखी है अपने शब्द नहीं है खिलाफ लड़े और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। धर्म के लिए वो नहीं लड़े थे ना, हम जुल्म के लिए तो लड़े थे ना, जुल्म के खिलाफ तो लड़े थे। गुलामी के खिलाफ जो जुल्म के लिए लड़ता है वो धर्म ही है। फांसी कोहड़ी में तो हम 20 दिन पहले हम उनसे मुलाकात की, लास्ट इंटरव्यू पे हम लोग थे, तो वो लास्ट पे पत्र जो है मेरे नाम पे है, कुलतार सिंह के नाम पे, तो उसमें हम उनसे मिल के आए हैं। वो मज़हब को तो आखिर वक्त तक उन्होंने इसको नहीं कहा, बल्कि उनको एक हेडवार्डर गया तो उसने कहा कि जी प्रार्थना कर लो, आखिरी टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर हो भी तो आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि परमात्मा कहेगा कि आज तक तो ये मुझे मानता नहीं था, आज मौत को देख के इसने मुझे मानना शुरू किया। तो उन्होंने तो अपने हर बात से हर एक्शन से इस बात को किया कि हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट समाज में यकीन रखते हैं। सरदार भगत सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े ज़ोर से सोशलिस्ट समाज के आदर्श को पेश किया और लास्ट मिनट तक गीत गाते हुए गए, उनके दिल में मौत का कोई डर नहीं। उस भगत सिंह को ख़ास तौर पर ये कोशिश करके कि उसको सिख बनाया जाए, तो उनकी जो एक अपनी, क्योंकि जो चाहते थे कि मैं एक नौजवान के तौर पर लोगों को के सामने आऊं, उसकी बजाय हमने उसको एक पगड़ी बंधे हुए सिख के तौर पे बुत बना के खड़ा कर दिया ताकि आते जाते वो इस तरह लगे। ये एक बहुत बड़ी मतलब अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ब्रिटिश ने कोशिश किया उनको करने का, दूसरी दफ़ा एक ट्रैवल है कि पहले उसको कौमी हीरो बनाओ, फिर उसके बाद उसको सांप्रदायिकता का मतलब चिन्ह बना लो और फिर उसके नाम पे मतलब करो। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के नौजवानों की खुशकिस्मती है कि भगत सिंह ने जो सोचा जो कहा उन्होंने लिखा, मतलब इतना कुछ लिख के छोड़ गए कि भगत सिंह को मतलब आप बदल नहीं सकते। अब कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूं, इस विचार के अलावा और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू एक राजा के रूप में पुनर्जन्म की आशा कर सकता है, एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में पाई जाने वाली सुविधाओं और अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। मैं क्या आशा कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा कसेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा, वही अंतिम क्षण होगा। बिना किसी गौरवशाली अंत के संघर्ष की छोटी सी जिंदगी, यही मेरा पुरस्कार है, यदि मुझमें इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का साहस है। परसेंट लोग जो गांव में रहते हैं उसमें मेजोरिटी जो है किसानी है, और
ਸਾਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਔਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀਓ ਕਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟੋਂ ਕਾ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਉਨਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸਭੀ ਕੇ ਸਭੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਉਨਕੋ ਇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਲਈ ਹਰ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈ ਛੋਟੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਕੋ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਗੁਰਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੈ ਆਮ ਹਮਾਰੀ ਕੇ ਕੇ ਯੂ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਸੂਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ CRP ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲਕੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣੋ 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 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਓ ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹਿੰਦੂ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਘੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਹਾਂ ਬਾਊ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੱਪੂ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਰੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਜੇ ਪੱਪੂ ਚ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਦੀ ਫਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ 3 ਮਾਰਚ 1931 प्यारे कुलतार आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था बरखुरदार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना और क्या कहूं हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली ये मुश्त खाक है फानी रहे रहे न रहे अच्छा रुखसत हम तो सफर करते हैं हिम्मत से रहना तुम्हारा भाई भगत सिंह ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਗੋ
सिंह नूं श्रद्धांजलि भेट करन तों सानूं कोई नहीं रोक सकदा। एक कांग्रेस पार्टी आ जिन्हें पिंडरां वाले नूं अगे लिआंदा। असीं इन्हां तों पुछणा चाहुंदे आ कि जे कांग्रेसी वी अतवाद नूं खत्म करना चाहुंदे आ, जे अकाली वी अतवाद नूं खत्म करना चाहुंदे आ, तां कौन लोक आ जिन्हां ने अतवाद पैदा कीता? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, इसके खिलाफ हमने ऐसे रिपोर्ट छाया की। और दूसरा, जो टेररिस्ट कार्रवाई करते हैं, जैसे खुड्डा बस स्टैंड, वहाँ 24 बस मुसाफिरों को निकाल कर मार दिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यही किया, कापूगंडा भी किया। मतलब जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यही नहीं, हमको भी धमकियाँ आती हैं, डराते हैं टेररिस्टों की तरफ से। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गांव में है, कमेटी है, खुद ही ये काम करती है कि अगर कोई गांव में अटैक करने आता है, इसीलिए हिंदुओं के ऊपर आता है या किसी और किसी आदमी के ऊपर अटैक करने को आता है, तो उसका मुकाबला किया जाए। 17 मार्च 1988 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने जयमल सिंह पड्डा की हत्या कर दी, मगर पड्डा जी की आवाज आज भी हमारे साथ है। को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि जिन्होंने लोगों की खातिर इतनी कुर्बानियां की, हम उन रास्ते पर चलते हुए कभी भी रुकेंगे नहीं, चाहे हमको भी जितनी कुर्बानियां करनी पड़े। ये गाना पेश करता हूँ। ओ यारो सानू नहीं ओ भुलनी, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਰੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੌ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਭੁੱਲਣੀ।